नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। विषुण चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हुआ रेमल, रात में बंगाल के तटों से टकराएगा। 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, अलर्ट जारी। गले में लीची का बीज फंसने से 2.5 साल के बच्चे की हुई मौत। चक्रवर्ती तूफान आने के पहले ही दीघा के समुद्र में डूबने से पर्यटक की हुई मौत। ग्लोबल वार्मिंग से संकट में चाय उद्योग, बंगाल के चाय कारोबार को भारी नुकसान की आशंका। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विषुण चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हुआ रेमल, रात में बंगाल के तटों से टकराएगा। 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, अलर्ट जारी। चक्रवात रेमल एक विषुण चक्रवर्ती तूफान में तब्दील हो गया है और रविवार रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपाड़ा के बीच टकराने की आशंका है। यह इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवात है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात 120 से 135 किमी पर घंटे की रफ्तार से पश्चिम बंगाल के पास टकराएगा और इसका असर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक दिखाई दे सकता है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगाई गई है। भारतीय तटरक्षक बल और NDRF ने राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात की। मौसम विभाग ने 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान के समुद्र तट से टकराने पर 1.5 मीटर तक की तूफानी लहरें उठने की आशंका है। गले में लीची का बीज फंसने से 2.5 साल के बच्चे की हुई मौत। शनिवार की दोपहर राजगंज ब्लॉक के माझियाली ग्राम पंचायत के बंधुनगर डांगापारा निवासी अल्ताबुल रहमान के 2.5 वर्षीय पुत्र समीम अख्तर के गले में लीची का बीज फंसने से मौत हो गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार राजगंज के डांगापारा निवासी अल्ताबुल रहमान के 2 बच्चे शनिवार रात घर के लीची पेड़ के नीचे खेल रहा था। उस समय उनके माता पिता घर पर थे, तभी अल्ताबुल रहमान के छोटा लड़का समीम लीची को बीज सहित खाने की कोशिश करने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पिता और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। इसके बाद समीम को फुलबारी के निजी अस्पताल ले गए जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में अल्ताबुल रहमान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिकल 4:30 नागाद हमें तो शुए हमार बच्चाटा बिले लिचू खाई हमार बाड़ी लिचू एक पड़े गेलो मटर मध्य वो लिचूटा कि छिले बच्चाटा मुखे दीछे मुखे देवर पर टुटी दिए अटकए गे गलाय अटकए गे ठीक है। अटकए जाए उठलम उठे देखते कि होते बच्चाटा एरक हो लिचू खाई गलार मध्य अटकए गेसि तपर क्य करलम हॉस्पिटल नहीं गलम हॉस्पिटल नहीं जावर संगे बस स्पॉट हमारे चिली रास्तार मध्य आढ़ाई बचर बड़ोटा बस 4.5 बचर छोटोटा आढ़ाई बचर छोटोटा भेजे पड़े चिरदिन विदायी हो गए डॉक्टर नहीं समय रास्तार मध्य स्पॉट हो गए आगे लिचू अनेक खाए गत बचरों खाई 10-12 दिन थे खाचे किचू है ना एक दिनों कल के यकम होते पर धारणा करते पर यकम हो कल के हमारे हमार लिची लिचू खाए हमारे बड़ो एरक है नहीं। चक्रवर्ती तूफान आने के पहले ही दीघा के समुद्र में डूबने से पर्यटक की हुई मौत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गंभीर चक्रवर्ती तूफान रेमल को लेकर अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन रेमल आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से होकर गुजरेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 26 मई को तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश और तेज हवाएं लगाएगा। कोलकाता, हावड़ा, नदिया और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफान आने से पहले दीघा समुद्र तट पर छत्तीसगढ़ के एक 22 वर्षीय पर्यटक प्रकाश साव की स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। वह सौदपुर के रहने वाले एक अपने मित्र के साथ दीघा घूमने आया था। शनिवार सुबह वह समुद्र में स्नान करने गया था, इसी दौरान वो डूब गया। करीब 11 घंटों बाद उसका शव दीघा के हॉलीडे होम नामक तट पर मिला। युवक को कांची महाकमा अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसके मृत होने की पुष्टि हुई। ग्लोबल वार्मिंग से संकट में चाय उद्योग, बंगाल के चाय कारोबार को भारी नुकसान की आशंका। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तर बंगाल के तराई और डुवर्स का जलवायु बदल रहा है जिससे चाय उद्योग को नुकसान होने की आशंका है। खुद्र चासी समिति के अनुसार चाय की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 250 सेमी वर्षा सही माना जाता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 38 से 40 डिग्री तापमान है और बारिश भी कम हो रही है।
प्रतिकूल मौसम से चाय के पौधों में समस्याएं आ रही है और छोटे बड़े उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। चाय उद्योगपतियों का मानना है कि पहली बार उत्तर बंगाल जलपाईगुड़ी में इतनी गर्मी पड़ी है और अगर ये स्थिति बनी रही तो पूरी दुनिया चाय के स्वाद से वंचित रह सकती है। भूगोल विशेषज्ञों ने भी चिंता व्यक्त की है, अगर पर्यावरण की बेरुखी पर ध्यान नहीं दिया गया तो भीषण गर्मी बढ़ेगी जिसका सीधा असर चाय उद्योग पर पड़ेगा। উত্তরবঙ্গের চায়ের আপনাদের দেখো উত্তরবঙ্গের চায়ের এই বৃষ্টিপাতের অভাবে গত 7.5 মাস ধরে কোনো বৃষ্টি নেই এবং আমরা আমাদের 26 বছরের চায়ের জীবনে এরকম কোনো দিন দেখিনি এবং কম বৃষ্টিপাতের প্রভাবে প্লাস অতিরিক্ত তাপদাহের জন্য আমাদের যে ফসলও নেই এবং কোভিডকালে আমরা 43 দিন পাতা উঠাইনি তবু চায়ের দাম ছিল সেই সময়, কিন্তু এই বছর দেখা যাচ্ছে চায়ের উৎপাদন কম, ফার্স্ট প্লাস পেলাম না, সেকেন্ড প্লাসে 40% উপরেই নাই, কিন্তু চায়ের দামও বাড়ছে না, মানে একটা দুর্বিষহ অবস্থা। এরকম আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন আমার মনে হয় না গত 25-26 বছরে চা শিল্পে বড় বাগান এবং ছোট বাগান দুজনেই কিন্তু সমানভাবে এর ভুক্তভোগী। भारत सेवा संघ के विद्यालय में लगी आग। उत्तर दिनाजपुर जिले के दारखोला स्थित भारत सेवा संघ के एक विद्यालय में आज भयावह आग लग गई। इस आग लगी में स्कूल के अधिकतर हिस्सा जल गया है। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दमकल विभाग को सूचित किया गया और दमकल की गाड़ियां मौके में पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक विद्यालय का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। भारत सेवा आश्रम के अधिकारियों के अनुसार उनको नहीं पता है कि यह आग कैसे लगी है। इधर दमकल विभाग के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय के जलने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि विद्यालय के अधिकतर कमरे जल चुके हैं, साथ ही उसमें रखे सभी सामान भी जलकर राख हो चुके हैं। নাম কি? আমার নাম স্বামী বিরাটমানন্দ। আচ্ছা, কি কি এখানে আপনি কোন দায়িত্বতে আছেন? এখানে আমি এখানে ইনচার্জ দায়িত্ব আছে, আপনার ইনচার্জ। আচ্ছা, কেমন কি হলো এটা? আগে তো আমরা তো এখন দেখিনি, আগুন হচ্ছে দেখুন, দেখলাম ধোঁয়া উঠছে খুব জোর, তখন দেখলাম এখন কিভাবে লাগছে আমরা বুঝতে পারি। আচ্ছা, কেউ লাগিয়েছে না কি ভগবান জানে, বুঝেছি বলা যাবে, দেখিনি আর কি। আচ্ছা, তো এখন মোটামুটি ফায়ার ব্রিগেডের টিম আসে আগটা বোঝাচ্ছে, ওরা চেষ্টা করছে বোঝার। স্কুলের কি এক্সাম চলছে? স্কুল চালু ছিল না বন্ধ? স্কুল তো এক্সাম চলছে, আজকে তো সানডে ক্লোজ আছে। আচ্ছা, আজকে ক্লোজ আছে কিন্তু এমনি এক্সাম চলছে? এমনি আমার পরীক্ষা চলছে। আচ্ছা, এক্সাম চলছে, কত ছাত্র আছে এখানে? ছাত্র প্রায় 150-এর উপরে। 150-এর উপরে? হ্যাঁ, 160। রেমাল সাইক্লোন কা আসার জলপাইগুড়ি মে শুরু হুই বারিশ, গরমি সে মিলি রাহত। रिमल तूफान के प्रभावित के कारण जलपाईगुड़ी में कई जगहों पर छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। पिछले दो दिनों में भयानक गर्मी पड़ रही है, इसके कारण सभी का हाल बेहाल है। बारिश होने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि रिमल चक्रवर्ती तूफान आज बंगाल की खाड़ी में हलचल मचाएगा। तूफान के कारण राज्य के कई जिलों में छिटपुट और मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि दक्षिण बंगाल से सटे इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस रिमल चक्रवर्ती तूफान का असर 3 दिनों तक देखने की बात कही जा रही है। रिमल चक्रवर्ती तूफान बांग्लादेश और गंगा पश्चिम बंगाल के तट पर टकराएगा। ओमान ने साइक्लोन का नाम रिमल रखा है, हालांकि यह कमजोर साइक्लोन है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस, क्या विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है, साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कुरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़ सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmillane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madhavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU Windmillane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus.
2000 चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड मात्र चार डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 25 मई पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट वी फोकस ऑन मेकिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री बाय एक्वायरिंग स्किल्स मेक स्टूडेंट्स कंपेटिटिव इन देयर करियर्स विद रेलेवेंट स्किल्स मेकिंग स्टूडेंट्स आर मोर मार्केटेबल विद कोलैबोरेशन कीप अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Break ke baad khabrein vistar se. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना दक्षिण जिले में सोने के साथ बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना दक्षिण जिले में बीएसएफ जवानों ने सतर्कता बरतते हुए एक बांग्लादेशी महिला से 352.730 ग्राम वजन के 3 सोने के बिस्किट बरामद किए। महिला हासी खानम अपने शरीर में छिपाकर सोने की तस्करी कर रही थी, जिसकी अनुमानित कीमत 25.9 लाख रुपए है। पूछताछ के बाद खानम ने बताया कि उसे 10,000 रुपए की रकम लेने का वादा किया गया था। उसने बताया कि कोलकाता के न्यू मार्केट में किसी अज्ञात व्यक्ति को सोना सौंपना था। बीएसएफ के डीआईजी ने जवानों की इस उपलब्धि की प्रशंसा की और सोने की तस्करी से जुड़ी जानकारी देने की अपील की। घर में छिपा बैठा था सांप, बाल बाल बची दंपत्ति की जान। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी फार्म इलाके में एक दंपत्ति रात को सोने के बाद बिस्तर के पास अलमारी के नीचे एक सांप को देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत कमरा छोड़ दिया और मैनागुड़ी पर्यावरण प्रेमी संस्था को सूचित किया। रात करीब 12 बजे संस्था के सदस्य अमल रॉय वहां पहुंचे और कुछ देर की कोशिश के बाद उन्होंने शानदार कोबरा सांप को पकड़ लिया। अमल रॉय ने बताया कि गर्मी के मौसम में सांप ठंडी जगहों की तलाश में रहते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने दंपत्ति की सावधानी की प्रशंसा की, जिसके कारण उनकी जान बच गई। भीषण गर्मी से हाथियों का भी हाल हो रहा है बेहाल। बार बार नदियों के किनारे आ रहे हैं प्यास बुझाने। उत्तर बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है, इंसानों और जानवरों दोनों को परेशानी हो रही है। अत्यधिक गर्मी से हाथी पानी की तलाश में नदियों के पास आ रहा है। जयंती और तोरशा नदियों के किनारे हाथियों के झुंड देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें अलीपुरद्वार जिले के जंगल से सटे इलाकों में देखने को मिल रही है। इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर भी खतरे में है। इस बीच नदियों और जलाशयों का पानी सूख रहा है। नदियों में जो थोड़ी पानी बची है उससे हाथियों को अपनी प्यास बुझानी पड़ रहे हैं। प्यास बुझाने के साथ ही वे अपने शरीर को भिगोते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों का झुंड नहाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। सिविल डिफेंस के जवानों ने महिलाओं और उनके बच्चों को बचाया। बाशीरहाट के हिंगलगंज में दो महिलाएं दो नवजात बच्चों के साथ घर लौट रही थी, मगर वे हिंगलगंज के लेबू खाली फेरी घाट पर तूफान में फंस गई। तूफान के कारण नौका सेवा निलंबित होने के कारण वे घर लौटने में असमर्थ थी। काफी इंतजार के बाद सिविल डिफेंस के जवान आए और उन्हें पास के एक पक्के घर में ले गए। महिलाओं ने कहा कि वे तूफान से बचकर इस पक्के घर में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरहुल पूजा के साथ हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन। रविवार को अलीपुरद्वार जिले के तासाती चाय बागान में सरहुल पूजा के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीव परहा सरना प्रार्थना सभा भारत की पहल पर एसएसके विद्यालय में यह आयोजन हुआ। सामूहिक शादी से पहले एक रैली निकाली गई और स्थानीय विकृति नदी से पानी लाया गया। पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ताड़ के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह संपन्न कराए गए। पूजा अर्चना के साथ साथ सार्वजनिक विवाहों का आयोजन भी धूमधाम से किया गया। विवाह समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से 4 जोड़े शामिल हुए। सामाजिक मान्यता मिलने से जोड़े भी काफी खुश हुए। আমাদের আদিবাসী পরম্পরা রীতি মেনে আমাদের নতুন বছরের আগমন যে সারহুল পরব, তার আমাদের সরুল মিলন সমারোহ সাথে গণবিবাহ সানা আমাদের আদিবাসী সমাজের রীতি রিবাজ তা মেনে আজকে গণবিবাহ আমরা দিচ্ছি। আজকে দেখেন এই আদিবাসী যদি না থাকে তাহলে কিন্তু জল জঙ্গল এবং জমিনের যে রক্ষা একমাত্র যদি করে থাকে তাহলে আমাদের আদিবাসী সমাজ, তার জন্যে আমরা আজকে কিন্তু আমরা নদীতে গেলাম, ওখান থেকে জল নিয়ে এসে আমরা শাল গাছকে সাক্ষী মেনে আজকের এই আমাদের পুজো হচ্ছে। আজকে দেখতেই পাচ্ছেন আজকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে গরমের দাবদাবা, এটাকে যদি একমাত্র আমাদের সমাজই আমাদের রক্ষা করবে, তাই আমরা যে আমাদের প্রাকৃতিক
যে গাছ তাকে আমরা সাক্ষী মেনে আমাদের স্মরণ পরব আমরা করতেছি। আমাদের নতুন বছরের এটা আগমন, এখন শাল গাছ যে নতুন নতুন গাছ এখানে নতুন পাতা হচ্ছে, এখন সেখানে ফুল ধরছে, এখন সেটা ফল হবে, তাই আমরা এই নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। কয় জোড়া পাত্র পাত্রী বিয়ে হতে হবে আজকে এখানে? আজকে আমরা চার জোড়া আমরা পাত্র পাত্রী এখানে বিয়ে হবে আমাদের আদিবাসী রীতিরেওয়াজ মিলে। কি নাম দাদা আপনার? আনন্দ খাড়িয়া, আমি সামাজিক আগুয়া বিশিষ্ট সমাজসেবী। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपया अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।